आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं दवायर उर्दू का एक ख़ास प्रोग्राम। इन दिनों में हम आज बात करेंगे उन सियासतदानों की जो कि बॉलीवुड में गए, या आप ये कह सकते हैं कि उन बॉलीवुड के स्टार्स की जो बाद में सियासतदान बने। इस पे हम बात करेंगे कि उनके सियासी सफ़र के बारे में और कैसे वो सियासत में और सियासत में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि एक नई किताब आई है जिसका नाम है नेता अभिनेता। ये रशीद किदवाई साहब की किताब है। रशीद साहब हमारे साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रशीद साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त विजिटिंग फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। एक लंबे वक्त तक टेलीग्राफ अखबार से वाबस्ता रहे हैं, उससे पहले ANI, नेशनल हेराल्ड और दूसरे अखबार से वाबस्ता रहे हैं और अपने पॉलिटिकल कमेंट्री और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी कई किताबें आईं। इन दिनों वो द वायर उर्दू के लिए एक हफ्तावार कॉलम भी लिखते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे नेता और अभिनेता की, कि ये कौन अभिनेता है जो नेता बने और जो कौन से नेता हैं जो बाद में मतलब वो अभिनेता बने, इस पे हम बात करेंगे। रशीद साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि आम तौर पर ये राय है और लोग ये समझते हैं, और ख़ास तौर पे जो नया जनरेशन है वो ये समझता है कि जो फेनोमेना है कि जब लोग फ्लॉप हो जाते हैं फिल्मों में तो फिर वो सियासत की तरफ आते हैं। लेकिन आपकी किताब का जब हम मुताला करते हैं तो हमको मालूम होता है कि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग जो बाद में सियासत में आए या विजिबल हुए दिखते हैं, वो दरअसल में सियासत में बहुत पहले से वाबस्ता रहे हैं। तो और दूसरा मैं ये भी समझना चाह रहा था कि इस किताब का नाम नेता अभिनेता क्यों है, अभिनेता नेता क्यों नहीं है? यानी आपने पहले उनको नेता क्यों कहा और बाद में, या ये सिर्फ मतलब सिर्फ रैमिंग के लिए किया या इसके पीछे कोई कंसिस डिसीजन था? जी शुक्रिया मेहताब साहब, आपने बड़े अच्छे दो पहले जो सवाल पूछे हैं। किताब का टाइटल देखिए, बहुत कुछ हो सकता था। दरअसल हम किताब का टाइटल रखना चाह रहे थे स्टार्स फ्रॉम अनदर स्काई, लेकिन एक मिंटो साहब की किताब है जो मीना बाज़ार के नाम से, उसका अंग्रेज़ी में जो किताब छपी हुई है उसका नाम ये स्टार्स फ्रॉम अनदर स्काई है, जिसमें मिंटो साहब ने कुछ फिल्मी अदाकारों का, उस ज़माने के जो थे बड़े बड़े अदाकार, उनका जिक्र किया था और बड़े दिलचस्प अंदाज में किया था। तो वो एक किताबों का टाइटल जैसा नहीं हो सकता, ये एक बड़ी वजह रही। ये दरअसल लोग जिनका हमने चुनाव किया, उसका दो तीन हमने उसके पैमाने तय किए कि एक तो ऐसे लोग जो कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में। सिर्फ एक देवानंद जैसी ऐसी शख्सियत है जिसको मैंने शामिल किया, और वो इसलिए क्योंकि देवानंद ने एक पोलिटिकल पार्टी बनाई थी, नेशनल पार्टी, और वो बड़ा उसमें उन्होंने सरगर्मी से हिस्सा लिया था। उसका बड़ा मैनिफेस्टो था, वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बदलाव लाना चाहते थे, इंग्लिश मीडियम तालीम को पूरे मुल्क में शामिल करना चाहते थे। उनका मैनिफेस्टो बड़ा इंटरेस्टिंग था और देवानंद बड़े पैशनेट पॉलिटिशियंस थे। देखिए, हम लोग जो आपने पूछा था कि ये लोग क्या सिर्फ सियासत में क्यों आते हैं, इसलिए कि फेड हो जाते हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है कि उनमें भी बहुत इंसानी हमदर्दी, समाज सुधार और जितनी चीज़ें जो फीलिंग बाकी जो सियासतदानों के दिल में होती है वो इनके दिल में भी होती है, और इनमें बहुत से लोगों ने कोशिश की। नरगिस दत्त अपने ज़माने की बहुत उनका कंट्रीब्यूशन था समाज सेवा में, फिल्मों में उनको बहुत मौका मिल सकता था। अपने जैसा आप जानते हैं कि अपने प्राइम में उन्होंने अदाकारी छोड़ दी थी। मैंने उसमें एक किस्सा लिखा है कि एक साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे वासन साहब, वो आए और उन्होंने उनको एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जो भी फिगर आप भरना चाहें भर लें और हमारी फिल्म में काम करें। तो नरगिस ने एक भी मिनट में उनको जवाब दिया कि वासन साहब, मेरे पास तो खुद 3 फिल्में हैं और वो फिल्में वो मुझे पूरी करनी है। तो मैं वो चेक उन्होंने माजरत के साथ वापस कर दिया और फिल्मों के नाम पर उन्होंने अपने बच्चे जो थे ये संजय दत्त और प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के नाम लिए। तो इस तरह से अदाकारों में भी जो इंसानी जज्बात होते हैं, जो एक खिदमत का, माँ का और बच्चों का एक रिश्ता होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों का मैंने बहुत तफसील से जिक्र किया, लेकिन एक चीज़ रखी है कि कायरीन के लिए कि उसमें दिलचस्पी कायम रहे। मतलब ये बोझल या स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं या सिर्फ नाम, और वो इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो किस्से, वाक़े, कहानियाँ, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो उसका, इससे मुझे लगता है कि वो
किताब को कायरीन पर पढ़ने के लिए उन्हें अच्छा लगेगा और उन्हें मजबूर करेगी कि किताब ख़त्म भी करें। यकीनन ये किताब इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ दिलचस्प भी बहुत है। इसमें आपने देवानंद साहब का जिक्र किया कि देवानंद साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, शायद ही कोई जानता हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के बारे में आपने बातें की। मसलन बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज़ादी से पहले दिलीप कुमार, और आपने अपनी किताब में लिखा कि दिलीप कुमार को जेल जाना पड़ा जब उन्होंने, तो जब हम आम तौर पर जंग आज़ादी के हीरोज़ की बात करते हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में, तो कभी दिलीप कुमार का नाम नहीं आता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने से ये पता चलता है कि इन दोनों एक और टर्न बहुत राइज हो चुका है, थैंक्स टू अगेन एक बॉलीवुड के ही शख्स हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने एक लफ्ज़ को राइज कर दिया अर्बन नक्सल। तो इस किताब को पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है, और आपने एक कॉलम भी लिखा था दोहर उर्दू के लिए, कि किस तरह से एक ज़माने में मिथुन चक्रवर्ती अर्बन नक्सल हुआ करते थे। तो थोड़ा अगर इन कहानियों के बारे में बताएं, या फिर राज बब्बर। जी हाँ जी, राज बब्बर की कहानी। जी हाँ जी, मेहताब साहब देखिए, ज़्यादातर लोगों को जो फिल्म भी देखते हैं और सियासत में दिलचस्पी है, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म कम होता है कि इसमें दो तरह के लोग हुए, जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह की जो वो एक मंझे हुए अदाकार थे, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, वो सियासत में आए, सुनील दत्त, कुछ लोग ऐसे थे जो सियासत में पहले आए, सियासत से जुड़े हुए थे और बहुत उन्होंने जुझारू काम किया, एक स्ट्रगल किया। उसमें मैं तीन चार लोगों का ख़ास तौर से जिक्र करना चाहूँगा। एक तो राज बब्बर थे, जो जिनका आपने जिक्र किया, वो बहुत ही एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो था इमरजेंसी के भी खिलाफ बड़े मुजाहरे किए। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बड़ा जो था, जो पूरा का पूरा JP मूवमेंट था, उससे जुड़े हुए थे, और वो अपनी तालीम के ज़माने में जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त उनका बहुत एक्टिविज़म था। तो ये लोग जो थे ये उस धारा से, या एक तरीके विचारधारा से, राज बब्बर ने तो बहुत ज़्यादा, जो ये बोफोर्स का भी मामला आया राजीव गांधी के खिलाफ, VP सिंह के साथ थे, बहुत उन्होंने बोलते अच्छा थे, उनका एक मदरसे की बैकग्राउंड से वो आए हैं, आगरे में कोई अंजुमन स्कूल है वहाँ उन्होंने पढ़ाई करी, तो उनकी शीन काफ जिसे हम कहते हैं बहुत दुरुस्त है, बोलते बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें उनका एक सियासी बैकग्राउंड रहा। पृथ्वीराज कपूर जो थे वो एक उनका एक सियासी उससे नहीं जुड़े थे, लेकिन जंग आज़ादी के वक्त उन्होंने खासतौर से जो 47 जमाने का जो माहौल था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने एक बार कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में उनका जो RSS के जो सरसंचालक थे गुरुजी गोलवालकर, उनसे उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने गुरुजी से कहा कि आप क्यों इतना इस माहौल, मुल्क में तशद्दुद का माहौल फैल रहा है, नफरत का माहौल फैल रहा है, आज इस ज़माने में कोई अदाकार क्या किसी बड़े एक सियासी शख्सियत से ऐसी बात कह सकता है कि साहब आपकी वजह से मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। लेकिन उनमें की मॉरल करेज था। और उन्होंने एक बार, और मैंने उसका जिक्र किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो था एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी उनके, एक जो पृथ्वी थिएटर के नाम से जाना जाता था, और उस पर सरदार पटेल को थोड़े वक्त के लिए आना था, लेकिन सरदार पटेल जो थे इतने ज़्यादा मुतासर हुए कि पूरा उन्होंने वो जो ड्रामा देखा, और उसके बाद में उन्होंने बहुत उससे वो महसूस भी हुए और उन पर असर भी हुआ, और वो ये कौमी यकजहती के मामले में था, और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ वर्किंग कमेटी के मेम्बर्स के आंखों से आंसू आ गए। इसी तरीके से जैसे हमने देखा 90s में बॉलीवुड में कि बड़ा एक फिल्मी दुनिया में भी हिंदू मुसलमान और शिवसेना ने जो थोड़ी हरकतें की जाती थी, तो उसमें भी वहाँ पर आए, उस ज़माने का 47 का आप जानते हैं बड़ा पुराशोभ दौर था, तो पृथ्वी थिएटर में आके उन्होंने कहा कि साहब इसमें मुसलमान अदाकार कौन है और हिंदू अदाकार कौन है और मुसलमानों को अलग करिए, और पृथ्वीराज कपूर ने अपनी जान को मतलब बाजी लगा के उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ये सब अदाकार हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। तो ये तमाम बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं जिससे हमें एक फ़ख्र होगा कि ये ऐसे लोग जिनको हम कभी कभी समझते हैं कि ये तो सब अदाकार हैं और इनका काम तो सिर्फ अदाकारी के जौहर दिखाना है, ये नहीं है, ये ख़ुद एक बहुत इनमें हुब्बुल वतनी की बात कही है, या एक जो समाज में कौमी यकजहती रहे उसका इन्होंने बहुत अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। जो दिलीप कुमार की बात करते हैं, वो दिलीप कुमार का बहुत ही दिलचस्प रहा है, शुरुआत से उनके थोड़े सियासी रुझान हुए, उतार चढ़ाव का दौर उन देखा, बहुत सी तकलीफ़ें भी और जुल्म भी सहे, इस तरह का कि लोगों ने तो बहुत मोहब्बत दी, लेकिन जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, तफरीक की बातें होती हैं, वो चीज़ें हुई, जब वो सियासत में आए तो वो यूसुफ खान हो गए,
और स्क्रीन पे वो दिलीप कुमार थे और उनका पूरी पॉपुलैरिटी, ये दो तीन चीज़ें अमिताभ से मैं आपको बताऊं कि बड़ी एक रिसर्च का भी एक जिसे हम कहते हैं ना शोध का विषय हो सकता है, रिसर्च की बात कि क्या वजह है कि हमारा जो समाज है जहाँ पर आदमी की पहचान उसके वल्दियत मतलब उसके वालिद उसके दादा से होती है, लेकिन संजय दत्त के मामले में नरगिस दत्त की बड़ी अहमियत हो गई कि नरगिस दत्त का एक वो मुसलमान थी तो उस वजह से संजय दत्त को शक की निगाहों से देखा गया। और खुद संजय दत्त ने भी इस बात का इतराफ किया, इस्तेमाल भी किया। जी हाँ, उसको कह सकते हैं जिसका जिक्र किया आपने कि लखनऊ में वो जब पहली बार जी हाँ जी उसके वो बाद में उन्होंने किया, लेकिन पहली जो शोरिश जो हुई, जो पहली हरकत हुई, वो जो इस तरह के समाज तोड़ने वाले लोग हैं उन्होंने ये इस चीज़ की बड़ी मुखालफत की। और इसी तरीके से महेश भट्ट की भी, कि महेश भट्ट की जो वालदा शीरीन जो थी वो भी एक फिल्म एक्ट्रेस थी, लोग कम आज की दुनिया में लोग कम जानते होंगे, तो महेश भट्ट पे भी ये कि वो मुस्लिम खून है उनमें, वो माँ की तरफ से थी। मुझे लगा कि बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी सामने आनी चाहिए, कायरीन को पता चलनी चाहिए कि जब फिल्म में हम देखते हैं तो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, मतलब जो रियल लाइफ जिसे हम कहते हैं, और रियल लाइफ में वो चीज़ें बिल्कुल हट जाती हैं, जाति और धर्म और तमाम चीज़ें जो हैं सामने आ जाती हैं। तो क्या यही वजह थी कि दिलीप कुमार या यूसुफ खान अपना स्क्रीन नेम चेंज करने के बावजूद पूरे मतलब अपने फिल्म करियर में सिर्फ एक बार एक मुस्लिम कैरेक्टर बनते हैं? मुगले आज़म के अलावा उन्होंने किसी भी फिल्म में पूरे अगर 40 साल का जिसका अपने जिक्र भी किया है कि एक बार भी नहीं, तो क्या वो एक कंसियस डिसीजन था उनका कि मैं मुस्लिम कैरेक्टर प्ले नहीं करूंगा फिल्मों में? जी देखिए क्या होता है कि ये चीज़ें तो बड़ी गहरी हैं ये, और वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक लिखने वाले की नज़रिए से मैं बता सकता हूँ कि एक आदमी सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, एक उसको एक ऐसा जो देविका रानी ने उनको ये नाम दिया शुरुआत में ही कि तुम अपना नाम जो है यूसुफ खान मत रखो, दिलीप कुमार, बल्कि उनके वालिद जो थे और वो जो पृथ्वीराज कपूर के जो थे वालिद जो थे उनसे जो था बहुत दोस्ती थी, और वो ज़माने में आप जानते हैं फिल्मों में जाना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो जो पृथ्वीराज कपूर के जो वालिद थे और इनके दिलीप कुमार के वालिद, दिलीप कुमार के जो सरवर खान जो उनके वालिद थे, वो कहा करते थे कि तुम्हारा बेटा कहाँ फिल्मों में चला गया, तो जैसे ही उनको मौका मिला, मैंने उसका पूरा तफसील से जिक्र किया है कि दिलीप कुमार की फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था तो शक्ल तो उन्हीं की थी, नाम दिलीप कुमार लिखा था, तो ये क्रॉफर्ड मार्केट जो है वहाँ बम्बई में, वहाँ उनको ले गया, उनको दिखाया कि देखो ये कौन है, तो उनके सरवर साहब के ऊपर बड़ा एक एकदम से उन्हें एक तरीके से धक्का सा लगा और उन्हें कुछ उनसे बात बात नहीं करी, फिर माँ ने पैचअप कराया और फिर वही जो जो इनके पृथ्वीराज कपूर के वालिद थे बशेश्वर जो थे वो आए और उन्होंने सुलह सफाई की। तो ये दिखाता है कि मतलब इस उस ज़माने के लोग पेशावर के रहने वाले लोगों में कितनी आपस में मोहब्बत और उनसियत थी कि एक दूसरे घर के मामले में जो था बाप बेटे के बीच में मिलाप कराने का रोल भी किसी दूसरे ने अदा किया। एक और बात दिलीप साहब के हवाले से कि बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप साहब बाल ठाकरे के बहुत ही करीबी दोस्तों में से थे, और ये नहीं, और बीच में एक वक्त शिवसेना ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला जब उनको निशाने इम्तियाज जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला, तो वो एक 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 वक्फा रहा है जिसमें शिवसेना ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन बाद में फिर दोनों में दोस्ती हो गई और उनकी जो बाल ठाकरे की अहलिया हैं वाइफ ने इंटरवीन किया था, तो ये क्या दिखाता है मतलब इस पे थोड़ा, क्या वो किसी कंपल्शन के तहत था या फिर उसमें कोई इंसानी था? क्योंकि ये बात भी आपने जिक्र किया है कि वो जो दोनों में जो दोस्ती थी वो शिवसेना के शुरू होने से पहले की दोस्ती थी जो आखिर तक बरकरार रही, जो उन्होंने उनके इंतकाल के मौके पर भी अपने ताज़ियती नोट में भी लिखा है। जी देखिए बाला साहब ठाकरे जो थे उनका किरदार बड़ा ही दिलचस्प था, मतलब एक वो भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है कि वो इंसानी जब दोस्ती में और उसमें बड़े गर्मजोशी और उनमें कोई तफरीक नहीं थी कि किसका क्या मज़हब है या कौन कहाँ का रहने वाला है तमाम चीज़ें, लेकिन एक शिवसेना का एजेंडा बिल्कुल अलग रहता था, ख़ासतौर से जो अर्ली 60s में 70s में और 80s में उसमें बहुत ही ज़्यादा की नॉन महाराष्ट्रियंस की बम्बई में ख़ासतौर से उनकी इंट्री
ہو یا مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی بیان دینے والا، مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنے والا، یہ تمام ان کے پہلو رہے. دلیپ صاحب سے ان کے بہت اچھے رشتے تھے، اور جب 92 کے جب دنگے فساد ہوئے یا بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں، تو اس وقت دلیپ کمار نے انسانی ہمدردی کے لیے، اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے کام کیا، لیکن پھر شیو سینا نے ایک سیاست کے نظریے سے ایک ایسا پوزیشن کیا کہ جیسے دلیپ کمار جو یوسف خان ہیں وہ صرف مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں جو وہاں اس سے متاثر ہیں دنگوں سے. اس وقت انہوں نے بھی بہت زیادہ، جو ہمارے ایک اور اس میں کریکٹر ہے سنیل دت کا، بہت ہی ان کے بارے میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے مہتاب صاحب، انہوں نے بھی بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. ہمیں لگتا ہے کہ ان پہ پورے ہمارے ملک کو ایسے یہ فخر کرنا چاہیے. بھارت رتن ان کو ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ بھارت رتن سے کم نہیں ہے. اور سنیل دت کے ساتھ خود ان کی پارٹی اور پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک کیبنٹ منسٹر ہونے کے باوجود اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر پا رہے تھے، جس کا آپ نے جی ہاں دیکھیے یہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں رائٹ ونگ آئیڈیولوجی اور لیفٹ ونگ. دیکھیے کانگریس میں بھی ہمیشہ سے ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو ایک طریقے سے رائٹ ونگ، بہت کم لوگ ابھی جو آج کی ہماری نوجوان لوگ ہیں انہیں نہیں پتا کہ بابری مسجد کے بعد جو فسادات ہوئے اور بابری مسجد کو لے کر کے سنیل دت نے ایز ممبر آف پارلیمنٹ استعفیٰ دیا. جی یہ بھی ہمارے ملک کی ایک بڑی خوشنما، یہ ایک روشن پہلو ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں جو ہے کوئی ایسا کسی کون کتنے مسلمان ایم پیز نے ریزائن کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن ایک سنیل دت جن کے دل میں درد تھا اور جن کو لگا کہ غلط ہوا انہوں نے کرا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزوں کا بار بار ذکر ہونا چاہیے اور لوگ اس کے بارے میں مطالعہ کریں تاکہ ہماری جو آنے والی پیڑھی ہے اس کو یہ سب پتہ چلے. اور انہوں نے 84 میں آپریشن بلو اسٹار کے بعد ایک یاترا بھی کی تھی ممبئی سے لے کر امرتسر تک. جی جی سنیل دت نے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی مائنورٹی کیریکٹر تھا یا کوئی، وہ ان کو ایک انسانی ہمدردی تھی. تو پنجاب میں مرہم رکھنے کا کام انہوں نے بہت کیا، جگہ جگہ گئے اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ میں نے اس میں اس کا اور بھی سب چیزیں ذکر کیا کہ وہ اپنے انسیت ان کی یہ تھی کہ وہ حضرت امام حسین کے اس سے اپنے آپ کو جوڑتے تھے کہ جو کربلا حسین ابراہمن کر کے اس کے پورا انہوں نے اپنے حساب سے تاریخ لکھی ہے اس کی. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا اور پریفیس میں اس کا ذکر ہے کہ کیسے دادا صاحب پھالکے ایک موقع پر کہتے ہیں کہ جو میری فلمیں ہیں وہ سودیشی ہے، کیپٹل کے اعتبار سے بھی، اونرشپ کے اعتبار سے بھی، امپلائیز کے اعتبار سے بھی، اور جو اسٹوریز ہیں اس کے اعتبار سے بھی تو یہ ہے. لیکن ابھی جب ہم فلموں کو دیکھتے ہیں یا اس کی اونرشپ کو یا اس کے کیپٹل کو، اس کے اپروچ کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اسٹوریز کو دیکھتے ہیں، تو کیا دادا صاحب فالکے نے جو بات کہی تھی وہ کہی جا سکتی ہے وہ بات؟ اور جی نہیں نہیں بہت آپ نے دلچسپ سوال کیا مہتاب صاحب. دیکھیے کیا شروعاتی دور میں جب ہم انگریز اس کے غلام تھے اور گاندھی جی جو اس وقت آئے اسی وقت فلمیں بننی شروع ہوئیں، گاندھی جی فلموں کے بہت خلاف تھے، لیکن اور انہوں نے شاید کوئی فلم دیکھی بھی نہیں اور وہ فلم کو اچھی دو فلمیں دیکھی اور اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھتے تھے. تو لیکن گاندھی جی کی جو سوچ تھی، جو ان کی وچار دھارا تھی، جو ان کا آئیڈیالوجی، اس کا فلموں پہ بہت اثر پڑا، خاص طور سے شروعاتی دور میں جتنی تمام فلمیں بنی وہ سب جو سوشل جسٹس کی جس کی ہم بات کرتے ہیں، آج کا سوشل جسٹس نہیں لیکن عورتوں کا سماج میں اچھا مقام ملے، کچھ ٹاپکس بہت ہی اچھے ایسے نکلے کہ جو جس کی آج ہم مطلب تصور نہیں کر سکتے کہ یہ فلمیں جو ہیں 1920s اور 30s میں بنی، کہ عورت کا حق، یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کے باوجود جو ہے شوہر اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس طرح کے بہت سے سبجیکٹس کے اوپر فلمیں بنی. تو گاندھی جی کا بہت انفلوئنس رہا، جواہر لال نہرو کا بہت انفلوئنس رہا. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بدل گیا، آج ہماری ہم ضرور ایک آزاد ملک ہے لیکن ہماری سوچ میں ہم ویسٹرن آئیڈیالوجی یا ویسٹرن آئیڈیاز کو بہت زیادہ مانتے ہیں. آپ دیکھیں تو ایٹنبرا نے بہت اچھی گاندھی پہ فلم بنائی، اگر ہندوستانی کوئی فلم بناتا تو ہو سکتا ہے اتنی اچھی فلم نہیں بن پاتی ہو. تو یہ باتیں ہیں کہ آج ہمارے فلموں میں جو کمرشل سنیما ہے اس میں بہت زیادہ ایک ویسٹرن ویلیوز کو بڑھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو عدالتوں کے بھی بیان ججمنٹ آ رہے ہیں، اس میں ایک پیٹرن ہے کہ کسی طریقے سے آج میں بڑا چینج آئے. لیکن یہ آج ہمارے ڈسکشن کا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن ایک یہ پوری ایک اس طرح سے کوشش ہو رہی. تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بہت فرق ہے. تو اس کو جو ہے اس وقت جو تھا ٹاپکس بہت ڈیئرنگ تھے، آج ہمارے یہاں اتنی محنت نہیں ہوتی. اور پھر دیکھیں گاندھی واپس آئے، گاندھی کے سبجیکٹس کے اوپر کئی فلمیں بنی اور بہت کامیاب ہوئیں. آپ نے عورتوں کی بات کی، عورتوں کے حقوق کو کیسے فلموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروفائلز ہیں اس میں زیادہ تر مرد ہیں،
और अगर औरत है भी तो उनके हस्बैंड के साथ उनका नाम लिया गया है, मसलन नरगिस का जिक्र सुनील दत्त के साथ, हेमा मालिनी का जिक्र धर्मेंद्र के साथ, शबाना आज़मी का जिक्र जावेद अख्तर के साथ, और इसी तरह से जया बच्चन हो या फिर जया पर मतलब जया पर्दा का ऑफ कोर्स नहीं हो इस तरह से, तो ऐसा क्यों है, क्या इसकी क्या वजह रही है, और ख़ास तौर पर वो सियासत में क्यों नहीं आ पाते हैं? मसलन जो रोल सुनील दत्त या दूसरे लोग अदा कर पाते हैं वो ड्रीम गर्ल, मतलब लोग सियासी रैलियों में सिर्फ इसलिए जाते कि उनको देख सके, तो ये जो एक एक तरह का अगर हम इसका सियासी तजिया करने की भी कोशिश करें इंटरनली भी और बाहर से भी, इसकी क्या वजह आपको लगती है, और विद इन पार्टी उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? मसलन हेमा मालिनी को बीजेपी में कैसे देखा जाता है, या रेखा को जो भेजा गया तो उसको, और या फिर जया बच्चन जया पर्दा के साथ जो समाजवादी पार्टी जी में। मेहताब साहब आपने बहुत अच्छा फिर ये सवाल किया। देखिए किताब में जो किया गया है वो तो एक जो पेयर हुए कि हस्बैंड वाइफ दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो उनको एक एक चैप्टर में कर दिया, उसकी और उसके पीछे कोई मंशा नहीं है। ये तमाम चीज़ें औरतों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे नरगिस दत्त का भी मैंने वो तफसीली जिक्र किया कि उनका बहुत राज्यसभा में कम रही, 1.5-2 साल ही रही, उसके बाद वो इंतकाल हो गया, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा समाज सेवा में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज के जो लोग हैं जो फिल्मों में से सियासत में आए उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए एक पोलिटिकल पार्टीज़ में जो है ये एक बड़ा एक मिथ है कि वो सिर्फ फिल्म अदाकारों को क्राउड पिलर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो हेमा मालिनी का इस्तेमाल सिर्फ ये हुआ कि सब लोग देखने में आए, एक लोगों में जो एक जिज्ञासा होती है, देखने का शौक होता है, उसके हिसाब से आए। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कहीं ना कहीं दोष है। एक चीज़ जो मैं बहुत अहम है जो मैं कहना चाहता हूँ वो नॉमिनेटेड मेम्बर्स की तरफ है कि लोगों को लगता है कि साहब ये लोग नहीं करते, जो इसे रेखा है कि साहब इनको पार्लियामेंट के लिए सीरियस नहीं है या सिंसियर नहीं है और उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए ये एक एजाज़ है जो दिया जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं जो फिल्म की कैटेगरी से, फिल्म आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स वगैरह से, इनकी कोई ये बाध्यता नहीं होती कि जिम्मेदारी की इन्हें सब पूरा सेशन अटेंड करना है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से उमूमन जुड़े नहीं होते। दूसरी बात जो राज्यसभा के रूल प्रोसीजर हैं कि कोई भी डिबेट होती है तो अगर वो 2 घंटे की डिबेट हो तो उसमें सिर्फ इनको 2 मिनट, मैं रिपीट करूँगा, 2 मिनट का सिर्फ वक्त होता है कि नॉमिनेटेड मेंबर बोल सके। अब 2 मिनट में आप क्या बात कह सकते हैं? तो ये एक बड़ा उनके साथ जुल्म जाती है कि उनकी इतनी बदनामी होती है, कहा जाता है कि साहब उनकी अटेंडेंस खराब है, लेकिन वो सुबह जी हाँ के कंट्रोवर्सी हर एक के बारे में कहा जाता है, सिर्फ जावेद और शबाना आज़मी उनकी अटेंडेंस अच्छी है, बाकी लोगों के अटेंडेंस जो है कम, लेकिन उस अटेंडेंस ना होने का एक पीछे बहुत बड़ी वजह है। पहली बात वो कभी उसके लिए एस्पायर नहीं करते हैं, वो डिमांड नहीं करते, ये हुकूमत और सियासी पार्टीज़ का एक उनके ऊपर एक उनकी खिदमात को एक एतराफ़ करने के लिए उन्हें लता मंगेशकर को या दिलीप कुमार को या इन लोगों को नॉमिनेटेड मेंबर किया गया, और खुद अपनी पार्टी को खुद पार्टी, और दूसरी बात ये लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं तो इनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं। तीसरी बात जहाँ जिस हाउस में ही बैठे हैं उनको वहाँ कम से कम बोलने का या पार्टिसिपेशन का मौका मिले, वो रूल्स ऐसे नहीं है, और सियासी जो है पार्टी जानती है इस बात को और वो कभी ये बात नहीं कहती, ये बात कह बतानी चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि वो 2 मिनट ही बोल सकते जी हाँ हैं। शुक्रिया रशीद साहब इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। खबरों तजियात और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप thewireurdu.com पर जा सकते हैं। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.